सबसे पहले मेरा सब दोस्त को ये आपका मीडिया का तरफ से हमको सारे हमारा अरुणाचल वासी को और मेरा स्पोर्ट्स पेटर्निटी दोस्त लोग को इसका जरिए से हम बताने के लिए मौका दिया है। आप लोग को धन्यवाद। आप जैसे पूछा है मतलब ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ये मेडल जीता है और ये क्या है इसमें मैडम, ये हमारा मतलब ये है हम लोग का ये थर्ड पार्टिसिपेशन है। राजस्थान बीकानेर में हम लोग फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, उसका बाद उसमें मेडल नहीं मिला है। तो सेकंड में हमारा ये पालघर में महाराष्ट्र में पालघर बीच में पार्टिसिपेट किया था, उसमें आउटडोर भी था और इंडोर भी था और उसी में हमारा अटेम्प्ट सेम और ये प्लेयर लोग लास्ट लास्ट ईयर मेडल मिला था। इस बार ये ओमेन लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ मैं बोलूँगा ओमेन लोग फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओमेन एंड मेन मिक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें बहुत फाइट देने के बाद भी हमारा मेडल नहीं मिला है। और हमारा ओमेन्स जो प्लेयर टीम जैसा हम देखा है हमारे इधर में काफ़ी पोटेंशियल है, थोड़ा टेक्निक थोड़ा कम रह गया है। तो मैं फ्यूचर में आशा करता हूँ हमारा अरुणाचल का ओमेन टीम मेडल जैसे भी हो लेना है। आप लोग का टीम जो ये सीएम सर को भी कल मिला था आईएएस और आज मिनिस्टर सर से भी फेलिसिटेट हुआ है, तो हाँ क्या क्या एश्योरेंस क्या क्या रखा है उनके तरफ से और सीएम सर के तरफ सरकार के तरफ से अभी तक क्या क्या मतलब बात आया है? सरकार का तरफ से जो जितना रेस्पॉन्स लगा हमको तो बहुत खुश है। फर्स्ट आते हुए हमारा अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू हमारा टीम को सबको फेलिसिटेट किया है और पर्सनली वो इनिशिएटिव लिया है टू अरुणाचल का ये टीम जो मेडलिस्ट को विनर लोग को सबको फेलिसिटेट किया है। और मैं सारे जो क्या क्या टग ऑफ वॉर में कैसा क्या नियम नीति है क्या है सब ब्रीफ किया है और इस पोटेंशियल को भी हम लोग डिस्कशन किया है। सरकार का तरफ से बहुत इनिशिएटिव है, इसमें जो कमी लगता है जैसा कि कोच वगैरह के लिए टेक्निकल जो ट्रेंड कोच ट्रेन कराना है उनमें भी एश्योरेंस दिया है और जो मिनिमम टग ऑफ वॉर में खेलने का जो फैसिलिटीज सब स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सर ने एश्योरेंस दिया है। मंत्री साहब भी आज पूरा ये एश्योरेंस दिया है, हम बहुत खुश है और मैं लगता हूँ टग ऑफ वॉर आगे जा करके और बहुत काम करेगा। हमारा टीम लगा हुआ है ये सब जूनियर्स, क्योंकि जूनियर्स स्कूल्स और स्कूल्स कॉलेजेस में हम अभी फोकस करने जा रहे हैं। आप लोग का जैसे कि नेशनल लेवल तक खेलने के लिए आप लोग बोला कि ट्रेनर नहीं है, तो किसे ये करके ट्रेन करके आप लोग गए नेशनल और लेवल तक? लास्ट में इसके अच्छा बात पूछा है। लास्ट टाइम हम लोग जो स्टेट चैंपियनशिप लास्ट ईयर इधर में ईटानगर में न्योकुम लापोंग में हेल्प किया था तो उसी में हम लोग एक दिन का ट्रेनिंग लिया है, वेरी ओनली मतलब एक दिन का। जो नेशनल ट्रेनर्स लोग उनको हम लोग बुलाया था हमारे स्टेट चैंपियनशिप होने से पहले हम एक दिन का ट्रेनिंग कोर्स किया था। तो एक दिन काफ़ी नहीं है, उन लोग का कहना है कि ये एक दिन से नहीं होगा, तो फिर भी हम लोग पिकअप करने के लिए कोशिश किया है हमारा प्लेयर लोग। तो आप ये टग ऑफ वॉर जो हमका एक इंडिजिनस गेम गेम जैसे भी है, गेम ही है इंडिजिनस गेम, तो इसको आप लोग मतलब इंडिजिनस वे में खेल रहा है ना, ना कोई ट्रेनिंग और अलग से लेना पड़ रहा है? नहीं, ये रूल बुक है, ये इंडिजिनस गेम जरूर है हमारा इधर में। हम अरुणाचल वाले इधर हमेशा ये टग ऑफ वॉर को हर फेस्टिवल में हर कम्युनिटी में खेलता है लेकिन नियम नहीं है। अब हम द, 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 बाहर जाके देखा है, राजस्थान में गया है देखा है, तो इसमें तो पूरा रूल ही रूल है। रूल बुक इतना मोटा है वो रूल का हिसाब से खेलना है, तो पूरा नियम है। तो अभी नियम से खेलेगा तो सब उसका जानने लगेगा तो अच्छा होगा। कमिंग डेज नेक्स्ट आप लोग का टूर्नामेंट कब कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये टूर्नामेंट सितंबर अक्टूबर का आसपास में हमको ओपन और ये इंडोर, एक तो इंडोर होता है वेरियस वेट कैटेगरी का, एक तो आउटडोर होता है जहाँ में आउटडोर जनरल ग्राउंड में खेलना पड़ता है, वो कैटेगरी हमारा सितंबर अक्टूबर से पहले हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।